नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने नए YouTube चैनल वंदना एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज हमारा टारगेट है 1100 सब्सक्राइबर करने का, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमें इस टारगेट को अचीव करने में मदद करेंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी के भी जीवन में वो महत्वपूर्ण प्रश्न और सब्जेक्ट होता है। ये इतना बड़ा टॉपिक है दोस्तों कि मैं इसे एक से दो वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए इसके दो से तीन पार्ट बन सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। आज चलिए आपको ज़्यादा मैं परेशान न करते हुए आज इस टॉपिक में ले जा रही हूँ, और इसका टॉपिक का नाम है मैरिज लाइन, यानी कि विवाह रेखा। दोस्तों, विवाह रेखा जैसा कि आप जानते हैं मैरिज लाइन है, ये हमेशा बुध क्षेत्र पर अंकित पाई जाती है। बुध क्षेत्र आप मेरे कर्सर के माध्यम से ये देख सकते हैं। बुध क्षेत्र हमारी उंगली, हमारे हाथों में जो सबसे छोटी उंगली होती है कनिष्ठिका उंगली, उसके नीचे का ये जो पार्ट होता है ये बुध क्षेत्र पूरा कहलाता है, जो कि हृदय रेखा हमारा ये है, हृदय रेखा, और ये हमारा कनिष्ठिका उंगली है, इसके बीच का पार्ट बुध क्षेत्र कहलाता है। इसी के ऊपर हमारी मैरिज लाइन यानी कि विवाह रेखा स्थित होती है। यहाँ दोस्तों मैं स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हाथ केवल विवाह संस्कार को, चाहे वो धार्मिक रीति से संपन्न हो या कोर्ट में लिखा पढ़ी से हो, मान्यता नहीं देता है। वह केवल हमारे जीवन पर दूसरे लोगों के प्रभावों को अंकित करता है, और साथ ही साथ वह यह भी व्यक्त करता है कि वे प्रभाव किस प्रकार के होंगे और उनका क्या परिणाम होगा। विवाह किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण घटना होती है। यदि व्यक्ति या जातक के जीवन में अन्य घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है, तो पहले से यह भी बताया जा सकता है कि उसका विवाह कब होगा। साथ ही दोस्तों, यह भी बात जानना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ विवाह रेखा को देखकर ही हम किसी चीज़ का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। उसके साथ ही हमारे हाथों में कुछ प्रभाव रेखाएँ होती हैं, उसको भी उसके साथ गणना, उसको देखना ये भी आवश्यक होता है। प्रभाव रेखा जो कि हमारे भाग्य रेखा और जीवन रेखा पे स्थित होते हैं। भाग्य रेखा और जीवन रेखा कहाँ स्थित होती है ये मैं आपको कर्सर के माध्यम से दिखा रही हूँ। भाग्य रेखा जो है हमारी की मणिबंध, आप देखते हैं कढ़ाई के नीचे का जो पार्ट होता है उस वहाँ से निकलती है, और उसका जो गंतव्य स्थान होता है शनि पर्वत होता है, यहाँ तक जाती है। और जीवन रेखा हमारी तर्जनी उंगली अंगूठे के बीच से निकलती है और ये मणिबंध तक आती है। इसे कर्सर से आप देख सकते हैं, ये हमारा जीवन रेखा होता है, और शनि पर्वत तक जो जाती है, जो कि आपके मध्यमा उंगली होती, तर्जनी के जस्ट बगल वाली उंगली, मध्यमा उंगली के जो पास में जाती है जो रेखा, वो भाग्य रेखा होती है। इस पर ही कुछ प्रभाव रेखा होती हैं जो हमारे विवाह की तिथि, अब विवाह कब होगा, विवाह के बाद कैसे लाइफ होगी, ये सारा इंडिकेट इन्हीं सब पे मिलता है। वो प्रभाव रेखा ऐसी जीवन रेखा से निकलने वाली ऐसी भी हो सकती है, और भाग्य रेखा से निकलने वाली या उसके साथ चलने वाली ऐसी भी रेखाएं हो सकती हैं। अब हम इसको विस्तार रूप में बताएंगे। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी आपको कि हमारी जीवन रेखा होती क्या है। जीवन रेखा जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुध क्षेत्र के ऊपर स्थित होती है, वो इसमें आपके जो हथेली का रंग जहाँ से स्टार्ट होता है वो एकदम वहीं किनारे से निकलती है बुध रेखा, विवाह रेखा, और या फिर उस बुध के पर्वत पे स्थित होती है जहाँ से करतल का रंग स्टार्ट होता है। आप देखेंगे वहाँ से निकलने वाली, एकदम किनारे से निकलने वाली रेखा या बुध क्षेत्र पर अंकित रेखा विवाह रेखा कहलाती है। उसमें से भी जो सबसे बड़ी रेखा होती है, जैसे कि इसमें ये दिखा रहा पहली वाली लाइन ऊपर से अनामिका
कनिष्ठिका उंगली के से पहले वाली, ये आपकी मैरिज लाइन होती है। बाद की जो छोटी रेखाएं इसमें स्थित होती हैं वो हमारे किसी न किसी से आकर्षण या प्रेम को संबंधित करती है कि हम उस टाइम विशेष पे किसी के प्रति उतने आकर्षित रहे या किसी से प्रेम करते हैं। लेकिन विवाह रेखा सदैव जो लंबी होती है उन रेखाओं में वही मायने रखती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे ये भी जानना आवश्यक है, यदि हमें इस बात की सटीकता से भविष्यवाणी करनी है या बताना है कि विवाह उस व्यक्ति का कब और कैसे होगा, किस काल अवधि में होगा, तो यहाँ पर भाग्य रेखा और जीवन रेखा पर इसकी पुष्टि मिलती है और यह सूचना वहीं पे प्राप्त होती है। विवाह से जीवन में और जीवन स्थिति में कैसा परिवर्तन आएगा ये सूचना यहीं पे मिल जाएगी आपको। बुध क्षेत्र पर स्थित जो विवाह रेखा से अनुमान लगाया जा सकता है कि विवाह किस अवस्था में होने की संभावना है। तो जब कनिष्ठिका उंगली और आपके हृदय रेखा के बीच में जो ये रेखाएं हैं, जब ये हृदय रेखा के पास से निकले तब हम इसकी आयु, विवाह की आयु 14 से 18 वर्ष मानते हैं, और जब ये इसके मध्य से निकले तब हम इसकी आयु 21 से 28 वर्ष मानते हैं। किसी भी व्यक्ति का हम देख के बता सकते हैं कि इसकी आयु इतने से इतने वर्ष के बीच में हो सकती है। और जब ये इसके 3/4 हिस्से पे निकले, जैसा कि ये है 3/4 करीब यहाँ होगा इस पर निकले, तब ये हम कह सकते हैं कि इसका विवाह 28 से 35 वर्ष के बाद ही होगा, मतलब अंदर में होगा, 28 से 35 वर्ष के अंदर में होगा। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगी, आज मेरी जुबान कुछ ज़्यादा फिसल रही है, बोलना मैं क्या चाह रही हूँ लेकिन जुबान आज थोड़ी साथ नहीं दे रही, फिसल रही है ज़्यादा। अब ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पे ऐसी रेखाएं हों, आपको समझना है तो इस पार्ट को, इस पोर्शन को आप 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। 4 भागों में जब डिवाइड करेंगे इस पोर्शन को बराबर भागों में, तो वहाँ जैसी जैसी रेखाओं का जो जो स्थान पड़ेगा उस हिसाब से, अगर वो स्थान वहाँ पे दिख रहे हैं, लाइनें दिख रही हैं उस स्थान पे, तो आप उस हिसाब से प्रेडिक्शन आप करके किसी को भी बता सकते हैं, आप अपना खुद का भी देख सकते हैं। इनमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो लंबी लाइन होगी वही होगी, छोटी लाइनों को इसमें नहीं हम रखेंगे। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने दोस्तों आपको बताया कि इसके बारे में विवाह से संबंधित, कि व्यक्ति का विवाह कब होगा, किस काल अवधि में होगा, तो इसके बारे में सटीकता से जानकारी हम भाग्य रेखा और जीवन रेखा से जान सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में यह परिवर्तन कब होगा, यानी विवाह का परिवर्तन, विवाह के परिवर्तन वाली अवस्था कब आएगी। तो इसके लिए विवाह रेखा जब हमारे बुध क्षेत्र पर पुष्टता से अंकित हो, पुष्टता से मतलब एकदम गाढ़ी लाइन हो, बुध क्षेत्र पे पुष्टता से अंकित हो, और चंद्र पर्वत हमारा ये बुध क्षेत्र के नीचे वाला हिस्सा चंद्र पर्वत कहलाता है, ये यहाँ तक बुध क्षेत्र, फिर हृदय रेखा के नीचे का स्थान बाहरी मंगल कहलाता है ये वाला पार्ट, और उसके बाद का हिस्सा चंद्र क्षेत्र कहलाता है। बाहरी मंगल हमेशा ये अंदरूनी मंगल है, अंगूठे के ये यहाँ तक का हिस्सा ये अंदरूनी मंगल कहलाता है, इसके ठीक सामने ये वाला हिस्सा बाहरी मंगल होता है ये वाला, ठीक है। तो इसके बाद का जो हिस्सा होता है हथेली में वो आपका चंद्रमा कहलाता है। तो जब चंद्रमा से कोई प्रभाव रेखा, तो फिर जब चंद्रमा से कोई प्रभाव रेखा चलकर भाग्य रेखा में, ये हमारा चंद्रमा है, यहाँ से चलकर कोई रेखा भाग्य रेखा में आके मिल जाए, तो इसको निश्चित ही कहा जा सकता है कि जो जिस भी व्यक्ति से जिसका हाथ है उसको हम जातक कह के यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, तो जातक का विवाह जब चंद्रमा से चलकर आने वाली कोई प्रभाव रेखा आपके भाग्य रेखा मिल जाए, तो इसको निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जातक विवाह के बाद धनवान होगा। और जब
कोई चंद्र छेद से आने वाली रेखा पहले सीधी चढ़े फिर मुड़कर भाग्य रेखा मिल जाए, तो इसमें निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो जातक होगा उसका जो विवाह होगा उसमें सच्चे प्रेम की कमी होगी उसके विवाह में, और वो विवाह सिर्फ दिखावे मात्र का होगा, उन दोनों के वैवाहिक जीवन में लेस मात्र का भी प्रेम नहीं होगा। और यही रेखा, ये वाली जो चंद क्षेत्र पर सीधी चढ़ के भाग्य रेखा मिले और ये ऐसे चल के सीधे भाग्य रेखा मिले, ये दोनों जब बहुत ही गाढ़ी हैं, बहुत और अन्य रेखाओं की तुलना में बहुत गाढ़ी हो, तो इसको निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जातक जिससे विवाह करेगा वो उसके जीवन में उससे कहीं ज़्यादा ऊंचे व्यक्तित्व वाला होगा, वो उससे ज़्यादा प्रभावशाली होगा, साथ ही उसका स्तर भी उस व्यक्ति से ज़्यादा उच्च होगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये जानना है कि इस जो भी विवाह हो रहा है वो कैसा होगा, विवाह के बाद उसका वैवाहिक जीवन कैसा हो, वैवाहिक सुख मिलेगा कि नहीं उस विवाह से, तो उसके साथ साथ इन सभी प्रभाव रेखा के साथ साथ चलने वाली एक पैरेलल लाइन होती है जो भाग्य रेखा के साथ साथ चलती है। मैं इसे हटा के दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे चली, ऐसे मुड़ी और एक ये, तो ये विवाह होना का संकेत बताती है, साथ ही इस विवाह से उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा, ये विवाह उसके लिए सुखदायी होगा कि नहीं, ये जानने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसके भाग्य रेखा के पैरेलल एक सीधी लाइन जाएगी। मेरा तो टच हो गया है लेकिन ये टच नहीं होगा, इसके पैरेलल ही चलेगी। तो ये कहा जा सकता है कि यह विवाह जो उसके जीवन में ये महत्वपूर्ण घटना हुई है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली और सुख प्रदान करने वाली ये वैवाहिक स्थिति उनके जीवन में होगी। इस विवाह से उस व्यक्ति को काफ़ी सुख मिलेगा। बुध क्षेत्र पर जो विवाह रेखा होती है वो सीधी बिना टूट फूट के या क्रॉस चिन्ह के या अनियमित होनी चाहिए, अनियमितता के होनी चाहिए, मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी विवाह रेखा है या तो एकदम सीधी चलिए, यहाँ से निकले यहीं पे ख़त्म हो, एकदम सीधी बिना किसी टूट फूट के। एक विवाह रेखा आप किसी के हाथ में देखते होंगे जो ऐसे चली सीधे, फिर बीच में रुक गई, फिर स्टार्ट हुई, फिर भी बीच में रुक गई, फिर स्टार्ट हुई, देख पा रहे होंगे शायद आप इसमें अच्छे से, तो ऐसी विवाह रेखा नहीं होनी चाहिए। और साथ ही इस पर कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए, ऐसे करके क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो मान के चलिए उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा। और जब कोई विवाह रेखा यूं चले और मुड़कर आपके हृदय रेखा की ओर आने लगे, हृदय रेखा ये है हमारी, हृदय रेखा की ओर मुड़ जाए, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो उसका जीवन संगिनी है या जीवन साथी है उसकी मृत्यु होगी। ये अगर स्त्रियों के हाथ में है तो उसकी विधवा होने की सूचक है, और पुरुष के हाथ में है तो उसके विधुर होने की सूचक है। और एक और चिन्ह मैं बताती हूँ आपको, जब विवाह रेखा मुड़कर सीधे, विवाह रेखा ये है निकली मुड़कर सीधे ऊपर की ओर मुड़ जाए, नीचे सामने ना होके ये ऊपर की ओर मुड़ जाए, तो ऐसे जिस भी जातक के हाथ में ऐसी रेखा होगी तो मान के चलिए उसकी वो हमेशा अविवाहित ही रहेगा, उसकी शादी नहीं होगी। और जब विवाह रेखा से बाल के समान छोटी छोटी रेखाएं हर बाल के समान नीचे की ओर गिरती हैं तो ये दर्शाता है जो भी इसका जीवन साथी है उसके अस्वस्थता का ये सूचक होता है कि जीवन साथी बीमार रहेगा। ये जब तक ऐसा रहेगा तब तक जीवन साथी में अस्वस्थता को सूचित करेगा।
और जब एक और पॉइंट है दोस्तों, ये भी नोट कीजिएगा कि जब विवाह रेखा ये हमारी निकली, धीरे धीरे मुड़ी और यहाँ इसके मोड़ पर एक क्रॉस हो, कहीं भी हो सकता है, मोड़ पर ही होना चाहिए लेकिन क्रॉस हो, तो ये बताती है उस व्यक्ति का, उसका जो जीवन साथी है, उसकी दुर्घटना में सहसा मृत्यु होगी, अचानक अकस्मात हो मृत्यु होगी। और जब ये रेखा धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो, इधर रेखा की ओर मान के चलिए धीरे धीरे मुड़ रही हो, तो ये जीवन साथी के अस्वस्थ रहने के बाद मृत्यु की सूचना देता है। सातवां पॉइंट है कि जब विवाह रेखा के मध्य में किसी अन्य स्थान पर दीप चिन्ह हो, तो वैवाहिक जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जातक को, और जब तक यह दीप बना रहता है तब तक उसमें विक्षोभ भी बना रहता है। दीप चिन्ह जानते होंगे, अगर आप वीडियो और देखते होंगे एस्ट्रोलॉजी के, तो दीप चिन्ह गेहूँ का जो दाना होता है उसी के समान होता है। ऐसा जब ये विवाह रेखा में बना हो, ऐसे मध्य में, विवाह रेखा के मध्य में या किसी भी स्थान पे, मध्य में यहाँ चली, एक दीप बना, फिर ये रेखा आगे बढ़ गई, ठीक है। तो इस पीरियड में, जहाँ तक ये दीप है, इस पीरियड में आपके यहाँ से यहाँ तक का उस व्यक्ति के जीवन साथी से अलगाव या विक्षोभ की स्थिति को दर्शाता है या बना रहेगा। और जब तक ये दीप बना रहेगा तब तक ये उस उनकी लाइफ में रहेगा, और जब ये पीरियड ख़त्म होगा तो फिर धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होने लगेंगी। आठवां पॉइंट है दोस्तों कि जब कोई विवाह रेखा इस तरीके से चली और दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, ये चली और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है, एक अलग से ऊपर से कोई लाइन आ रही, वो नहीं, ये साथ चली और बीच से खुल गई है, एक लाइन इधर आ गई है और एक लाइन इधर आ गई। तो ऐसी स्थिति में भी अलगाव, विक्षोभ या तलाक की स्थिति बनती है जातक के जीवन में, और यह बात तब निश्चित और भी हो जाती है जब इसमें से कोई रेखा निकल के मंगल क्षेत्र की ओर चली जाए। मंगल क्षेत्र ये है प्लेन ऑफ मार्स हमारा, इसमें चली जाए तो मान के चलिए निश्चित ही तलाक होना ही होना है उस व्यक्ति के जीवन में, तलाक की स्थिति आनी ही आनी है। दोस्तों अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, एक पार्ट है पहला ये, और दूसरे पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इतना तो उम्मीद कर सकती हूँ कि जो भी इस वीडियो में मैं बातें बताऊँगी, आपको यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहले कभी किसी ने भी नहीं बताया होगा, इतनी सटीक और इतनी छोटी छोटी बातें। अगर आप इन सब बातों को अपने जीवन में इसको एक शिष्य के रूप में देखना, पढ़ना, सुन के उतारेंगे, तो आप निश्चित ही एक अच्छे ज्योतिषी भी बन जाएंगे, और आप आगे चल के आप लोगों की भी समस्याओं को देख सकेंगे। तो आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन पाइए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद दोस्तों, और कोरोना से जितना जल्दी हो सके और जितना हो सके आप लोग बच के रहिए और घरों में रहिए, बी सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।